हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आज मैं ब्लीच करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर पे कैसे ब्लीच करें। बहुत सारे हाउसवाइफ होते हैं, वीमेन होते हैं जिनको घर बाहर जाने के लिए टाइम नहीं रहता है और अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं और जल्दी से शादी में जाना चाहते हैं। अगर किसी का कहीं से फ़ोन आ गया हो कि कल शादी में आना हो, तो इस तरह से हम कैसे अपने आप को सुंदर बना लें और कैसे ब्लीच कर लें कि थोड़ा चेहरा क्लीन हो जाए। तो मैं टिप्स लेकर आई हूँ जो कि मैं आज बताने वाली हूँ कि घर पर ब्लीच कैसे करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये देखिए फेम डायमंड क्रीम का मैं ब्लीच लाई हूँ जो कि मैं आज ब्लीच घर पर करूँगी और ब्लीच को मैं 15 मिनट रखूँगी। तो पहले मैं फेस वॉश कर लूँगी। लैक्मे का मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ब्लश ग्लो का, लैक्मे का ये जो फेस वॉश है वो मैं पहले यूज़ करूँगी। अपने चेहरे को पहले वॉश कर लूँगी और फिर हेयरबैंड वगैरह जो भी जो है वो लगा लूँगी और बाल को अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद में ब्लीच लगाऊँगी और इसको कैसे कैसे यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ बताऊँगी। अगर आप लोग चाहो तो घर पे ब्लीच कर सकते हो और मैं उसका तरीका बता दूँगी ब्लीच करने का। तो आप लोग ज़रूर घर पे ब्लीच कर सकते हो, पार्लर से खर्च भी बच जाएगा। ये 60 से 70 रुपये में ब्लीच आता है, आप घर बैठे होम फेशियल कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसके पहले कि मैं वॉश करके आ जाऊँ। और ये फेम डायमंड का ब्लीच है, आप लोग चाहे हो तो परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी तो आप लोग मंगा सकते हो, या आप गोल्ड का भी ब्लीच यूज़ कर सकते हो, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो आप ब्लीच मंगा सकते हो। अगर ये ब्लीच चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी और इसका प्राइस क्या है ये भी डाल दूँगी। ये फेम डायमंड क्रीम ब्लीच है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से मैं आज ब्लीच करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसे जल्दी से जल्दी घर पे किस तरह से ब्लीच कर लेते हैं। पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप होममेड तरीके से ब्लीच कर सकते हो। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। ये देखिए हम पूरे चेहरे को क्लीन कर लिए फेस वॉश से। जब भी आप ब्लीच लगाएं तो पहले अपने चेहरे को क्लीन कर ले, फेस वॉश कर लो। तो इस तरह हम टॉवल के हेल्प से पहले स्किन को पोंछ लेंगे फेस वॉश करने के बाद। आप लोग घर पे ब्लीच करो तो पहले फेस वॉश कर लो, उसके बाद टॉवल के हेल्प से हम वो कर लेंगे। अब ब्लीच को मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए दो सारे इस ब्लीच क्रीम है जो कि उस ब्लीच करने के बाद लगेगा ये क्रीम। मैं तब तक इसको रख देती हूँ। और ये क्या है, ये भी पोस्ट ब्लीच क्रीम ही है जो कि ब्लीच करने के बाद लगेगा। ये है ब्लीच और इसका जो फेम होता है वो ये है। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे अपने बाउल में रख के। ये क्रीम है ब्लीच क्रीम और वो फेम है। तो दो आप जब भी ब्लीच मंगाओ तो इस तरह से ब्लीच रहेगा। इसको ये डब्बे में थोड़ा बड़े साइज़ में जो डब्बे रहेगा वो क्रीम रहेगा। तो इस तरह से हम क्रीम को निकाल लेंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है, एक फेस का है ये। हम छोटा डब्बा लाए थे, ये 60 से 70 रुपए में मिलता है, बट ये एक स्किन के लिए काफ़ी है और काफ़ी ग्लो करता है। लगाने के बाद आप ब्राइडल ब्लीच कर सकते हो। मैं बहुत सारा वीडियो लेकर आई हूँ तो वो होममेड तरीके से फेसियल है, बट ये ब्लीच है जो कि ब्राइडल है, जो कि शादी में आपके पर्पज से मैं ये ब्लीच बता रही हूँ। एंगेजमेंट पर्पज से रिसेप्शन में आप इस तरह का ब्लीच कर सकते हो घर पे मंगा कर, बाहर पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से मैं ब्लीच क्रीम निकाल ली, आप देख सकते हो ये डब्बा था। इस तरह का डब्बा जो बड़ा वाला निकलेगा आप ब्लीच मंगाओगे तो उसमें क्रीम रहता है और इसमें फेम है। ये रहा, ये देखिए छोटा सा डब्बा में फेम रहता है, मतलब ड्राई टाइप का, लेकिन ये इसी से निखार आता है। तो इसी ब्लीच को हम, ये हम ब्लीच का क्रीम रख लिए। अब हम दो बूंद, ये देखिए दो बूंद हम एक्टिवेटर, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर, रख लेंगे ताकि ये चेहरे की गंदगी को काटता है और काफ़ी क्लीन करता है, ग्लो लाता है फेस पे। तो ये दो डब्बा था प्यारा सा, इसमें क्रीम था, आप देख सकते हैं ये क्रीम का डब्बा था छोटा सा जिसमें ब्लीच का क्रीम रहता है। आप इसी तरह ब्लीच मंगाए तो डब्बा निकलेगा, और ये एक्टिवेटर है इसको बोलते हैं, ये छोटा सा डब्बा को एक्टिवेटर बोलते हैं। ये देखिए, और ये क्रीम का डब्बा है और वो एक्टिवेटर का था।
और इस तरह से हम क्रीम निकाल लिए हैं। हम ब्लीच लगाने का तरीका बता रहे हैं, ये क्रीम निकाल लिए, ये एक्टिवेटर है, और दोनों को मिला के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि एक्टिवेटर अच्छे से मिल जाए और फेस पे अच्छे से पैचअप हो जाए, क्योंकि एक्टिवेटर हम हाथ से अच्छे से मिला इसका दिया होगा इसमें मिलाने का, देखिए ये है, इससे हम मिलाएंगे और हाथ लगाएंगे अच्छे से फेस पे। तब पहले तो हम इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे मिला के छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छे से जब तक मिल ना जाए, हम हाथ के हेल्प से अच्छे से मिला दे रहे हैं। इसको हम जब भी ब्लीच लेंगे और एक्टिवेटर लेंगे, क्रीम लेंगे, तो अच्छे से मिला देंगे, तभी ये चेहरे पे काफ़ी ग्लो करेगा और अच्छा लगेगा। और एक्टिवेटर मिलाना ज़रूरी है क्रीम के साथ, तभी ब्लीच लगाएं, आप ऐसे नहीं लगा ले, नहीं तो नुकसान करता है। आप कभी भी लगाओ तो मिलाकर ही लगाओ। इस तरह से हम तैयार कर लिए, एक फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी क्रीम है, ये देखिए थोड़ा सा ही क्वांटिटी है, बट इसको हम आईना के हेल्प से लगा लेंगे और ये काफ़ी चेहरा को निखारेगा। ये ब्राइडल ब्लीच है, जो भी आप घर में कहीं भी शादी में जा रहे हो तो आप इस तरह से ब्लीच कर सकते हो। तो हम आईना के हेल्प से ब्लीच लगा लेंगे, फेस वॉश कर चुके हैं, अब हम ब्लीच लगाएंगे। और जब भी ब्लीच लगाए तो एक्टिवेटर को मिला के लगा, उसको 2 मिनट के लिए मिला के छोड़ दे, उसके बाद ही लगाए। थोड़ा इचिंग करता है, बट आपके पास विंटर में तो नहीं, गर्मी में एसी उसी के पास बैठ जाए लगा के, और चाहे फैन के पास। और आइस को छोड़ कर लगाएं और आईब्रो को छोड़ करके, क्योंकि आईब्रो पर लगाएंगे तो ब्राउन हो जाएगा, तो आईब्रो पर आप बिल्कुल ना लगाएं, थोड़ा सा वो होता है, कुटकुटाहट टाइप के होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो बाल होते हैं उसको छोड़ के लगाएंगे ताकि ये ब्राउन ना हो जाए, तो इसको अच्छे से बैंड से कर लेंगे इधर, इसको छोड़ के हल्का साइड साइड से लगाएंगे ताकि ब्राउन हो जाते हैं, और जो बचेगा उसको नेक्स्ट पे लगा लेंगे। और इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे ब्लीच को अपने चेहरे पे, तभी जाके ये क्लीन होगा और एक दुल्हन वाला लाइट लेके आएगा। और ब्लीच से क्या होता है, चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, पूरे गंदगी को काटता है और बिल्कुल साफ हो जाता है, इसलिए हम लोग ब्लीच का यूज़ करते हैं। फोरहेड पे लगाएं, सॉरी आईब्रो पर ना लगाएं, आईब्रो छोड़ कर लगाएं, जब भी लगाएं तो आईब्रो छोड़ कर। इस तरह से मिलाते रहेंगे ब्लीच को, तो हल्का कुटकुटाहट टाइप का होता है जो नहीं होगा, और 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे अपने फेस पे सूखने देंगे। अब
हम 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पर रखेंगे ब्लीच को, और उसके बाद ब्लीच को धो लेंगे। और इस तरह से ब्लीच कंप्लीट होगा। ब्लीच के धोने के बाद जो ये क्रीम दिया है, दो पैक पाउच है इसमें, वो पाउच लगा लेंगे। और इस तरह से एक्टिवेटर और ब्लीच क्रीम को मैं अपने फेस पे मिला के लगाई। जब भी आप ब्लीच लगाएं तो 4 से 5 मिनट ब्लीच को मिलाकर एक्टिवेटर के साथ छोड़ दें, और उसके बाद 15 मिनट ब्लीच को अपने चेहरे पे रखें, आईब्रो छोड़ कर लगा, और साइड साइड जो बाल रहते हैं उसको छोड़ कर लगाएं, क्योंकि ये चेहरे पे लगने के बाद, बाल पे लगने के बाद ब्राउन हो जाते हैं, तो इसलिए बाल को छोड़ कर लगाएं। इस तरह से आप कहीं भी शादी में जा रहे हो तो घर पर अगर टाइम नहीं हो पार्लर जाने का तो आप घर पर ब्लीच कर सकते हो। और ये हम ब्लीच धोने के बाद ये क्रीम लगा लेंगे, जो भी दिया हुआ है इसमें पाउच, वो थोड़ा सा फेस पे लगा लेंगे, या कोई भी मॉइस्चराइज़र होगा आपके पास वो भी लगा सकते हो। अगर ये नहीं लगाना चाहो तो आप मॉइस्चराइज़र ब्लीच को धोने के बाद लगा सकते हो। तो मैं चलिए इस ब्लीच को 15 मिनट सुखा रखती हूँ अपने चेहरे पर, ताकि ये अच्छे से डार्क सर्कल, टैनिंग, स्पॉट सारे हट जाते हैं और एक सुंदर सा ग्लो लेकर आता है चेहरे पर। इस तरह से हम ब्लीच को हटा लिए अपने चेहरे से। 15 मिनट रखने के बाद चेहरे को धो लेंगे और हल्का आइस से मसाज कर लेंगे, और नहीं तो मसाज क्रीम से मसाज कर लेंगे। मेरे अभी तो ये पाउच दे दिया हुआ है क्रीम का, वही लगा लेते हैं, या आइस से तो ज़रूर, गर्मी का टाइम हो तो आप लोग आइस से मसाज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्लीच लगाने के बाद इसको मसाज कर लेंगे। और इस तरह से देखिए काफ़ी क्लीन और काफ़ी ग्लो कर रहा है फेस। और इस तरह से बहुत ही घर बैठे होममेड फेशियल हो जाए, ब्लीच हो गया, और पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं, और चेहरा भी बिल्कुल साफ हो रखा है। इसमें जो पाउच क्रीम दिया हुआ था ब्लीच के साथ, वो मैं भी इसको लगा के छोड़ दूँगी अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट। अगर आपके पास, अगर गर्मी में आप ब्लीच लगाओ तो थोड़ा सा आइस लगा के मसाज कर लो, या मॉइस्चराइज़र से मसाज कर लो, और उसके बाद ये क्रीम लगा के छोड़ दो। तो इस तरह से ब्लीच कंप्लीट हुआ। अगर आपके पास कोई भी मसाज क्रीम होगा तो आप मसाज करके ही ये क्रीम लगाओ, और उसके बाद छोड़ दो स्किन को। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, या ये लगा लो, जो भी लगा लो, और ये नहीं तो आइस से कर लो। इस तरह से ब्लीच को कम्प्लीट कर लो। तो इस तरह से हम ब्लीच लगाने का ट्रिक आप लोग को बताएं। घर पर बैठे पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं, और होममेड तरीके से आप घर पे ब्लीच 60 से 70 रुपये मंगा लो और घर पे ब्लीच कर लो, और अपने चेहरे को बिल्कुल सुंदर सा निखार दे दो एकदम। और शादी में अगर कहीं जा रहे हो तो आप इस तरह से ब्लीच कर सकते हो। देखिए चेहरा, मेरा चेहरा कितना क्लीन और कितना साफ हो चुका है। जितने भी टैनिंग स्पॉट्स डार्क थे, डार्कनेस जो थे, वो सारे हट चुके हैं। और सही में मानो ब्लीच बहुत ही चेहरा को ग्लो कर देता है, पूरे साफ कर देता है। जितने भी गंदगी स्पॉट्स होते हैं वो हट पूरे निकाल फेंकते हैं। तो घर बैठे अब इससे बेटर क्या चाहिए। अब हम मैंने एक ब्लीच मंगाया और ब्लीच किया, बस उसमें ब्लीच क्रीम था और एक्टिवेटर को मिला के 4 से 5 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने स्किन पर लगाया और पूरा चेहरा साफ हो गया। और अगर आप चाहे तो इसके साथ हल्का मसाज भी कर सकते हो, जो मसाज क्रीम हो, या आइस से भी आप लगा के कर सकते हो, और उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगा लो। हो गया पूरा ब्लीच का कंप्लीट, और चेहरा भी साफ़, फेसियल का जरूरत भी नहीं, ब्लीच से ही पूरे क्लीन हो गया चेहरा। सबके पास मुल्तानी मिट्टी रहता है, आप पैक भी लगा सकते हो इसके साथ, तो पूरे ही फेशियल की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे ब्लीच को हम यहीं समाप्त करते हैं लगा के। और देखिए मेरा चेहरा कितना ही, आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है, और काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, एकदम चिल कूल फेस लग रहा है, लग रहा है पूरे फेस से थकावट, स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह से ब्लीच आप लोग ज़रूर मंगाएं। गोल्ड का ब्लीच अच्छा रहता है, डायमंड का भी अच्छा रहता है। तो ये डायमंड फेम डायमंड ब्लीच था। अगर आप लोगों को ये ब्लीच चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी इसका, प्राइस भी मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग परचेज कर सकते हो। और आप घर बैठे, बहुत सारे हाउसवाइफ को टाइम नहीं रहता पार्लर जाने का, तो आप 10 से 15 मिनट में अपने चेहरे को साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, और ब्लीच कर सकते हो। तो इस तरह हम ब्लीच
लगाएं और आप लोग को दिखाएं और आप लोग को बताएं। अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स बताना मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है मेरे चैनल को। तो मैं वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू, मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।